नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम के 6 अधिकारियों को भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने के आरोप में निलंबित करने का आदेश दिया है। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि करोलबाग में अनाधिकृत निर्माण को कथित रूप से नियमित करने के मामले में सीबीआई को एक रजिस्ट्रार के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति भी दी गई है। दरअसल सब रजिस्ट्रार ऑफिस में दिल्ली के सेंट्रल जोन में गैर कानूनी ढंग से 50 अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन को लीगली रेगुलराइज कर दिया गया था। इससे पहले LG ने अलीपुर हादसे के बाद एक JE और एक AE अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया था। इसके अलावा भलसवा के एक अधिकारी को भी निलंबित किया गया था। इसी के साथ उपराज्यपाल ने आसफ अली रोड पर सब रजिस्ट्रार के लेवल 3 के पद पर तैनात राजपाल पर बिक्री विलेखों पर अनाधिकृत निर्माण की अपेक्षित मोहर लगाए बिना अनाधिकृत संपत्तियों को पंजीकृत करने का आरोप है। राजपाल पर आरोप है कि उसने 2015 में 21 जुलाई से 26 सितंबर 2018 की अवधि में ऐसी 50 संपत्तियां दर्ज की है। चलिए अब आपको बताते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों में किन अधिकारियों पर गाज गिरी है। AS यादव, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, सैनिटरी लैंडफिल साइट भलसवा में वित्तीय अनियमितताओं के लिए निलंबित किया गया। मनीष कुमार, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, और विजय कुमार, रीजनल इंस्पेक्टर, दक्षिणी क्षेत्र में संपत्तियों के कागजात में हेरफेर और देरी के लिए इन्हें निलंबित किया गया। अंजू भुठानी, डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, पेंशन मामलों की निकासी से संबंधित मामलों पर बैंकों के साथ कार्यवाही नहीं करने के लिए निलंबित किया गया। श्रीनिवास, असिस्टेंट इंजीनियर जो कि नरेला में तैनात है, और सांख्य मिश्रा जो कि जूनियर इंजीनियर है, अनाधिकृत निर्माण को रोकने में विफलता के लिए निलंबित किया गया, जिसके कारण हाल ही में अलीपुर के बकौली गांव में एक निर्माणाधीन गोदाम ढह गया था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें, इससे पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शराब के लाइसेंस के लिए ब्लैकलिस्ट में डाली गई कंपनियों का पक्ष लेने के आरोपों पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। ये मामला आम आदमी पार्टी सरकार की एक्साइज नीति 2021-22 से जुड़ा है। बता दें कि नवंबर 2021 में लागू की गई आबकारी नीति के तहत 849 खुदरा शराब दुकानों की खुली बोली के जरिए लाइसेंस दिए गए। शहर को 32 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक बोली लगाने वाले को अधिकतम 2 जोनल लाइसेंस रखने की अनुमति दी गई थी। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे दिल्ली तक।